हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज फोर्थ लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर पर्सनली विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 के चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि किस राज्य में स्थित कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विश्व का सबसे बड़ा हाथी केयर सेंटर बनाया जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम को। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए असम की। अगर बिहार का पूछा जाएगा कि बिहार के कौन कौन से वैसे मटेरियल हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो वह हो जाएगा मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का करतनी चावल, नवादा की मगही पान, सिलाव का खाजा तथा मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट एयर केयर किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, विश्व का अपनी तरह पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारत का पहला मॉस गार्डन भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में गायों के लिए पहला अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, असम के डिब्रूगढ़ में, और इस अस्पताल का नाम रखा गया है सुरभि आरोग्यशाला। नेक्स्ट है कि अमरीकी ओपन 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन हैं? ऑप्शन सी डोमिनिक थियेम। 30 जून 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान नाम रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डाटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार एवं पेश किया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा पोजिशन था? ऑप्शन बी 120वां पोजीशन। बट आपसे 2021 का पूछेगा तो 2021 में भारत का पोजीशन 121वां हो गया है। पहले पोजीशन पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगापुर है और दूसरा पर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी म्यांमार। नेक्स्ट, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए इज करेक्ट, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस देश में स्थापित किया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइजर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश में भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सूरीनाम। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मई 2020 में अम्फान चक्रवात आया था? तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्रीलंका में। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मॉरिशस।
जुलाई 2020 में किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट 19th नंबर आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस अरब देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट जून 2020 में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ऑप्शन डी ईरान ने। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में कहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तालिबान के मध्य ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दोहा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इस्लामिक देश ने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह नूर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईरान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन डी लुजान द्वीप पर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में कैटरीना सकेला रोपो उलोव किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनान की। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मालदीव। नेक्स्ट यहां पर से मैथ का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुतम समवर्त 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का सम क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है, लेट करना है कि ये दोनों संख्या ए और बी हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए कि दोनों का लघुतम समवर्त 120 है, इट मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू 120, और दोनों के वर्गों का योग 289 दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर पुट कीजिए, आपको ए और बी दोनों मिल जाएगा, और सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि मनोज अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया फाइनली वो बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5000 रुपया। नेक्स्ट है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो लॉस परसेंटेज बतलाना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के केस की अगर बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के केस में गेन या फिर लॉस जो भी बोलिए तो वो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 15 संतरों का जो CP है ना, वो 20 संतरों के SP के बराबर है, तो इट मींस क्या हुआ, लॉस हो गया, तो निकालना क्या है आपको, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय एसपी इनटू 100, तो लॉस हो जाएगा 20 माइनस 15, 5 हो गया लॉस, डिवाइडेड बाय एसपी है 20 इनटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25% इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया, यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि राकेश और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु क्रमशः 11:9 होगी, तो सतीश की प्रेजेंट आयु क्या है? तो यहाँ पर देखना है, यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यानी 24 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि देखते हैं कि राकेश की वर्तमान आयु क्या है, 5x यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो में दिया हुआ है, तो 5x डिवाइडेड बाई सतीश की 4x, 3 साल बाद दोनों का निकालना है तो दोनों में 3 ऐड कर दीजिए, 3 साल बाद इसका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 11/9। इसको सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर जैसे भी आप ऑप्शन डायरेक्ट पुट के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम दिया गया था। देखिए तराइन का जो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में यानी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। बट जब तराइन का द्वितीय युद्ध उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में लड़ा गया तो इस दौरान पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर का रचना है? ऑप्शन डी मिताक्षरा। ये बुक के ऑथर का नाम लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मृक्ष कटिकम की अगर बात करते हैं तो इसके राइटर थे सुद्रक, राज तरंगिनी कलहन तथा पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है कि संगम में उरायूर किसके लिए विख्यात था? ऑप्शन सी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम काल में उरायूर। और प्रेजेंट लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित है उरायूर। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन बी चोल कला का। नेक्स्ट एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। देखिए एलोरा के मंदिर की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सिचुएटेड है। इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग से संबंधित है? ऑप्शन सी दीवाने मुख्तराज, जो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही की बात करते हैं तो इसकी स्थापना तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यह कृषि विभाग था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यह एक दान विभाग था। और दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यह बाजार नियंत्रण से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर के शासक सदाशिव राव को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिस ने, और इल्तुतमिस पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इन्होंने टंका के नाम से सिल्वर कॉइन्स तो चलाया ही था, साथ ही कॉपर यानी तांबा का सिक्का भी इन्होंने चलाया था जिसका नाम रखा गया था जीतल। नेक्स्ट है कि सर्व कर लगाया जाता था? ऑप्शन सी सिंचाई पर। देखिए सर्व कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था और ये इरिगेशन का एक टैक्स था, सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ अन्य कर भी लगाए गए जैसे जजिया कर, जकात कर, खराज कर, खुम्स कर इत्यादि। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, जबकि तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये तीनों भक्ति आंदोलन से रिलेटेड थे। अगर नागार्जुन की बात करते हैं तो इन्होंने शून्यवाद की स्थापना की थी, तो शून्यवाद के संस्थापक के तौर पर नागार्जुन जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। इन्हें दूसरे नाम सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है? ऑप्शन बी कर्म से। और दर्शन का जो उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में, दर्शन की संख्या 6 है। वे दर्शन का नाम कौन कौन से है, उनके प्रतिपादक कौन थे, तो यह जानने के लिए प्लीज विजिट माई प्रीवियस सेट। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अब स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर ताबो मठ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना रिंचेन जांगपो नामक व्यक्ति ने 996 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है? ऑप्शन सी महाबली से। देखिए जनरली केरल में मनाया जाता है, 10 दिन का त्यौहार है ओणम। और ये जो प्रहलाद के जो पौत्र थे महाबली, वो जब वापस अपने घर लौटते हैं तो गृह वापसी के उपलक्ष में ही मनाया गया यह पर्व ओणम था। नेक्स्ट है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी मार्क टुली। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है?
काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी यरवदा जेल, ये महाराष्ट्र के पूना में स्थित है। बारदोली की अगर बात करते हैं तो गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, तथा नौर वली जो है वो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है कि वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। देखिए वेवेल योजना के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी का गठन करने का प्रावधान था, साथ ही कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के जस्ट बराबर की गई और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए जाने का प्रावधान था वेवेल योजना 1945 में। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, महात्मा गांधी से। देखिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। हाँ तो फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसका वर्णन यंग इंडिया पुस्तक में की गई है। तो चलिए नेक्स्ट 52 है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त दल के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 55 सदस्य, और राज्यसभा में मान्यता प्राप्त दल के लिए मिनिमम 25 सदस्य होने चाहिए जो कि पार्लियामेंट के गण पूर्ति यानी कोरम के बराबर हो। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए किस वर्ष कॉलेजियन प्रणाली का गठन किया गया। तो ऑप्शन डी 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 जनवरी 2014 को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। ऑप्शन डी सर बेनिगल राव, ये 1950 के दशक में ये न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली मोबाइल अदालत का गठन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरियाणा में 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवाड़ जिले में। अगर मोबाइल अदालत की बात करते हैं तो इसकी परिकल्पना सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए लोकसभा में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया गया 11 मई 2005 से, राज्यसभा में यह प्रस्तुत किया गया 12 मई 2005 को, तथा फाइनली 15 जनवरी 2005 को इसे राष्ट्रपति की परमिशन मिल गई, स्वीकृति मिल गई, और ये 12 अक्टूबर 2005 को ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में, और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी नहीं है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस, ये सब मान्यता दल प्राप्त राजनीतिक दल में आते हैं। नेक्स्ट है कि डियागो गार्सिया द्वीप की खोज किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1500 ईस्वी में। यह हिंद महासागर में यह द्वीप स्थित है, डियागो गार्सिया, और इसके खोजकर्ता एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जिनका नाम डियागो गार्सिया था, उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा। नेक्स्ट है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, होन्सू द्वीप पर, और होन्सू जो द्वीप है ना वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिशिगन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर में सिचुएटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुंडा। नेक्स्ट है कि करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी पर। अगर नील नदी की बात करते हैं तो इस पर आश्वान बांध का निर्माण किया गया है, कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध, तथा दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध। नेक्स्ट है कि झूम किसे कहते हैं। तो
तो झूमिंग जो है ना वो कृषि की एक पद्धति है। ये प्रीवियस सेट में भी मैं बतला चुकी हूँ कि झूमिंग जो टेक्निक होती है उसमें क्या किया जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस सेट जाकर इसका मेरा विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिला में किसका खनन होता है। ऑप्शन ए हेमेटाइट का। बेलाडिला जो खान है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी कालाहांडी जो उड़ीसा का क्षेत्र है। अगर जावर खान की बात करते हैं तो यहाँ पर जस्ता और सीसा का उत्खनन किया जाता है। कोलार में सोना का और मेसाबनी जो झारखंड का क्षेत्र है मोसाबनी वहाँ तांबा का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन डी थोरियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन बी सोन नदी का। नेक्स्ट रेड डाटा बुक का संबंध है। ऑप्शन बी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, यानी जो इंडेंजर्ड स्पेसिस के जो एनिमल आते हैं ना उसको रेड डाटा बुक में इंक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होना। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें ओजोन लेयर और पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये वायुमंडल में इसकी जो सांद्रता है वो अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कंपेयर में अधिक होती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए पेरिस में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो ऑप्शन ए भेड़, इसका नाम डॉली रखा गया था। नेक्स्ट है कि सुनहरा चावल में प्रचुरता है। ऑप्शन बी विटामिन ए का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस टेस्ट में उसको रेनी यानी त्वरण पुनर्गठन और खुलापन कार्यान्वित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सोवियत संघ में। नेक्स्ट है कि सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए 83 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि मुद्रा स्फीति का आवश्यक गुणधर्म है। ऑप्शन सी मूल्यों का बढ़ना। नेक्स्ट गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंदिरा गांधी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन ही था। नेक्स्ट यहाँ पर से ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वह कोण जो किसी वृत्त यानी सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई के चाप तथा उसके केंद्र पर लगाया गया हो वह कोण क्या कहलाती है। तो उसे रेडियन कहते हैं। अब आप देख लीजिए ये सर्कल है, ये इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, तो इस ये दोनों रेडियस के बीच का जो बन रहा है ना स्पेस ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो इसी को कहा गया रेडियन। नेक्स्ट है कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट पिंड का भार, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि जब भूमि स्थल उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट है कि बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ का जो वॉल्यूम होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, सिंस बर्फ का जो डेंसिटी है वो पानी से कम है इसलिए वॉल्यूम यहां पर घट जाता है। 90 नंबर है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के जरिए। नेक्स्ट है कि परमाणु के तीन मूल अवयव नहीं है, यहाँ पर नहीं छूट गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटियम। और परमाणु के तीन मूल अवयव होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि किस रासायनिक बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विद्युत संयोजी बंध को। पौधे में होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ऑप्शन बी Na2CO3 और इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। अगर सर्पेंटोलॉजी की बात करते हैं तो ये सांप के अध्ययन को कहा जाता है, वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को, तथा फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं के अध्ययन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है, ऑप्शन सी लाइकेन। 97 है कि निम्न में से कौन एक मीन है, ऑप्शन डी सिल्वर फिश। नेक्स्ट, मरुभूमि किस दशा में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए उष्ण तथा शुष्क दशा में। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट पलीहा को, या पुरानी रेड ब्लड सेल को नष्ट करने का कार्य करता है पलीहा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार के किस जिले में नागी बर्ड सेंचुरी अवस्थित है, तो ऑप्शन बी बिहार के जमुई जिले में है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।